करीब 4 साल बाद रणबीर कपूर की फिल्म रिलीज हुई है और उसका नाम ब्रह्मास्त्र नहीं। 2018 में संजू के प्रमोशंस के दौरान उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म शमशेरा पर बात की थी। बताया था कि फिल्म की कहानी सेट है 19वीं सदी में। शमशेरा नाम का एक डकैत है जो ब्रिटिश हुकूमत से लड़ रहा है। अब यह फिल्म बनकर रिलीज हो गई है। शमशेरा मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा को उसका जरूरी ब्रेक थ्रू दे पाती है नहीं, आज के रिव्यू में उसी पर बात करेंगे। शमशेरा का ब्रिटिश सरकार से बैर बेवजह नहीं है। वो अपने गिरोह में काम करता है, धनी कथित ऊंची जाति वाले लोगों को लूटता है। शमशेरा एक खमीगन है जिसे कथित तौर पर नीची जाति वाला माना जाता है। इस वजह से उसकी लड़ाई सिर्फ अमीरी और गरीबी वाली नहीं, जातिवाद के खिलाफ भी है। कहानी का और शमशेरा की लाइफ का मेन विलेन है शुद्ध सिंह, एक कथित ऊंची जाति वाला दरोगा। इसके मन में लेश मात्र भी दया नहीं, एकदम क्रूर। इतना सुनकर आगे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि क्या घटने वाला है कहानी में। शमशेरा अपनी कहानी को अपना सेलिंग पॉइंट बनाने की कोशिश भी नहीं करती। वही टेम्पलेट है जो दसियों बार घिसा जा चुका है। खुद से बड़े मकसद को पूरा करता पिता, अपनी लेगेसी से अनजान बेटा और राक्षस समान विलन। फिल्म को देखने के बाद मेरे पहले शब्द थे, एक टिपिकल बॉलीवुड फिल्म बनाने की कोशिश हुई है। अब आप इस बात को अच्छे सेंस में लें या गलत सेंस में, वो आप पर है। पीरियड ड्रामा वाले एलिमेंट्स फिल्म में दिखेंगे। बड़े सेट तैयार किए गए, VFX पर ठीक ठाक काम हुआ है, मतलब डिसेंट काम है। एक्शन सीक्वेंसेस फिल्म के लिए काम कर जाते हैं। फिल्म के म्यूजिक कंपोजर मिथुन को स्पेशल मेंशन दिया जाना चाहिए। लोफी और स्लो रिवर्ब के दौर में 5 मिनट के गाने आप इंजॉय कर पाएंगे। रणबीर ने फिल्म में डबल रोल निभाया, शमशेरा और उसके बेटे बल्ली का। शमशेरा को एक बहुत बड़ी लेगेसी छोड़कर जानी है जिसका भार बल्ली और पूरी फिल्म उठाती है। रणबीर अपने किरदार की ब्रीफ समझते हैं। शमशेरा का लुक इंटेंस है, वैसा ही काम उन्होंने अपनी आवाज़ पर भी किया। उनकी आवाज़ में एक नियंत्रित भारीपन है, कंट्रोल्ड। ऐसा लगता नहीं कि रणबीर जोर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आता है बल्ली, लापरवाह बेफिक्र किस्म का। उसकी आवाज़ एकदम रणबीर जैसी ही है। देखने में या कहें तो सुनने में अच्छा लगता है जब एक्टर्स अपने लुक से इतर इन फैक्टर्स पर काम करते हैं। रणबीर की मेहनत सिर्फ फिजिकल फिटनेस तक सीमित नहीं थी। हीरो को जब आप लार्जर देन लाइफ बनाते हैं तो विलेन भी वैसा ही रखना पड़ता है। शुद्ध सिंह बने संजय दत्त हिंदी सिनेमा के बेस्ट विलेन नहीं है। निर्दयी होने के बाद भी आप उसे देखना चाहते हैं, बस राइटिंग उन पर मेहनत करने के मूड में नहीं दिखती। उनके किरदार को सेडिस किस्म का ह्यूमर दिया है, दूसरों को परेशान करके जो मजे उठाता है। समस्या ये है कि उसे आप सिर्फ एक ही शेड में देखते हैं पूरी फिल्म में। थोड़ी देर पहले मैंने टिपिकल बॉलीवुड जैसे शब्द इस्तेमाल किए थे, उन पर फिर लौटना चाहूँगा। फिल्म अपने हीरो को पूरा स्पेस देती है, बस उसके आसपास की दुनिया को भूलती दिखती है। होता यह है कि एक किरदार के नरेशन से फिल्म शुरू होती है। जब भी आप किसी का नरेशन सुनते हैं तो पाते हैं कि वो शख्स कहानी में अहम रोल निभाएगा, ऐसा होता है यूजुअली। यहाँ ये केस नहीं है। यहाँ जो किरदार हमारे लिए कहानी खोलता है उसे फिल्म थोड़ी देर बाद पूरी तरह भूल जाती है। अंत में आकर बस उसके दर्शन नसीब होते हैं। फिल्म ऐसा और भी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के साथ करती है, उनकी बैक स्टोरी पर काम ना कर उन्हें सतही बना देती है। ये पहले ही बता चुके हैं कि कहानी कोई नई नहीं, कई कहानियों से प्रेरित लगती है, जिसमें कोई बुराई भी नहीं है, मतलब कोई हर्ज नहीं है इस चीज़ में। फिल्म देखते वक्त बैटमैन के चमगादड़ से लेकर महाभारत का अज्ञातवास वाला चैप्टर तक याद आएगा, बस फिल्म उन्हें ठीक से भुना नहीं पाती। टिपिकल फिल्मों से एक शिकायत लंबे वक्त से रही है, ऐसे फिल्मों में फीमेल किरदार बस हैं, वो बस एग्जिस्ट करते हैं, वो ज़्यादा कुछ जोड़ नहीं पाते। वाणी कपूर के किरदार सोना ने भी यहाँ कुछ ऐसा ही किया है। उनका इंट्रोडक्शन एक डांस नंबर से होता है, विजुअली गाना अच्छा है, आगे उनके कुछ और डांस सीक्वेंस आते हैं, हालांकि वो शमशेरा की जर्नी में ज़्यादा कुछ एडअप नहीं कर पाती। ऐसे में देख कर बुरा लगता है कि ये सदियों पुरानी खामी राइटिंग में सुधारी जा सकती थी। फिल्म पुरानी चीज़ों को लेकर एक्सपेरिमेंट का फ्लेवर भी लगाने की कोशिश करती है, जैसे एक्शन सीक्वेंसेस में कैमरा का काम जो लगातार रोटेट करता है, एक जगह बना नहीं रहता, फिर भी सारा दुकड़ा आकर फंसता है राइटिंग पर। मेरे लिए शमशेरा को देखना एक डिसेंट अनुभव था। कुछ पहलू थे जिन पर अगर काम होता तो फिल्म के आलोचना वाले पक्ष में कटौती हो सकती थी। आज के रिव्यू में इतना ही। मैं हूँ यमन और कैमरा के पीछे हमारे साथी जतिन, शुक्रिया।